Welcome to this very exclusive auction. और ये है, ladies and gentlemen, भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी, उन हजार कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था. अ वेरी रेयर एंड ट्रूली अ कलेक्टर्स आइटम which was meant for those जिन्होंने 3 साल रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया था. पेश करते हैं, ladies and gentlemen, the Constitution of India, भारत का संविधान. ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का. पर कभी सोचा है आपने कि ये मुल्क आखिर होता क्या है? समाजशास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल, धर्म, जबान, परचम और हुक्म को मानने वाले बाशिंदों के समूह से बनता है एक मुल्क, एक देश. मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं, धर्मों और तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है. और ऐसे मुल्क, ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है. इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन. ये आईन ही तो वो आईना है जिसमें देखकर ही हम खुद को पहचान पाते हैं और सवार भी सकते हैं. आज से मैं आपको इस जादुई आईने के अंदर के संसार की सैर पर ले जाऊंगी. ये कैसे बना, कब बना, किस किसने बनाया और क्यों बनाया, तो चलिए चलते हैं वहां जहां कहानी शुरू हुई थी, हमारे संविधान की. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आप भी तो ठीक से देख लीजिए उस मुकद्दस किताब को जिसकी बात हम कर रहे हैं. शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था. और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा था. मगर ये काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था. क्योंकि वह कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी, वह तसव्वुर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी नई संस्कृति का जो इससे पहले इस संसार में कभी देखी नहीं गई थी. दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी. 1857 के क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी. उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आईन बनाने का सपना न दबा था न हारा था. और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई. माय मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1914 एंड द ब्रिटिश सेड यस यस वी विल एक्सेप्ट इट आफ्टर द वॉर बट नाउ दे वांट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस बट यू नो अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया should be and can be framed only by Indians. Now it works. What will you do with this spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon to drive the English rulers away so that we will have the power to make our own constitution. Ab
गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया था। कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया। और उनके बाद जब उनका बेटा जवाहर कांग्रेस का सदर बना, तो उस युवा नेता ने हिंदुस्तान के अपने संविधान के सपने को और शदीद तरह से सबके सामने रखा। आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदलकर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये एक्ट भारतीयों की उम्मीदों से न सिर्फ बहुत कम और अलग था, बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां और बढ़ने लगीं। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक सांझे संविधान का खाका बनाने की कोशिश की। उधर वर्ल्ड वॉर टू की मार और इधर आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का इरादा नेस्तोनाबूद हो चुका था। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते, मगर बेचारे चुनाव हार गए। और बर्तानिया के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने और मुसलमानों को अलग अधिकार देने की मुस्लिम लीग की मांग पर काम फौरन शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। बिलीव मी, इंडिया विल बी अ मच बेटर प्लेस आफ्टर यू हैव लेफ्ट अस टू आवरसेल्व्स। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट वी ऑट टू डू मिस्टर गांधी। आवर ओनली फियर इज वेदर इट्स पॉसिबल टू मिनिमाइज द वायलेंस एंड द ब्लडशेड व्हिच इज प्रेडिक्टेड in the subcontinent when it breaks into Hindustan, Pakistan and Princistan. Then don't break India. But what about Mr. Jinnah's Pakistan? Why will you listen to my brother Jinnah if you are not ready to listen to others? And why do you presume that Jinnah will not see sense when you meet him in Shimla? I do wish your hopes come true when we meet in Shimla. But it is important that you're also present there. What will I do there? I'm neither a member of the Congress, nor of the Muslim League, or of the other outfits that you have invited there. But still, we will need your wise counsel in Shimla when discussions are held about an interim government and a new constitution for India. Lat Sahab, यानी वाइस रॉय की शिमला कोठी में बैठक लग रही थी और वहाँ भारत भर की अहम सियासी हस्तियाँ जमा हो रही थीं। कांग्रेस की तरफ से आए थे उनके अध्यक्ष मौलाना आज़ाद, साथ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफार खान। मुस्लिम लीग की तरफ से थे मिस्टर जिन्ना, जिनके साथ थे लियाकत अली खान, सरदार निश्तर और नवाब इस्माइल खान। फिर सिख, पारसी, ईसाइयों और दलितों के नुमाइंदे भी थे। उधर पूरे मुल्क में फैले सैकड़ों रजवाड़ों की तरफ से वहां मौजूद थे भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला, जो उन दिनों चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। फ्रेंड्स, द विंड्स ऑफ चेंज हैव स्वेप्ट द ओल्ड ऑर्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड एवर सिंस दिस ब्लडी वॉर इज स्टार्टेड एंड आवर न्यू लेबर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द टाइम इज कम फॉर इंडियंस टू डिसाइड हाउ दे आर गोइंग टू गवर्न देमसेल्व्स। And the purpose of this meeting is to have discussions with all of you. The representatives of British India and the Indian states is to secure a way of framing the constitution of a free India. Mm-hmm.
जिन्ना साहब को ये बात नागवार गुजर रही थी कि जिसे वो महज हिंदुओं की पार्टी मानते थे, उस कांग्रेस के आधे नुमाइंदे मुसलमान थे और उनकी रहनुमाई भी एक मुसलमान ही कर रहा था। शिमला की ठंडी आबोहवा का ऐसे माहौल में गर्म हो जाना लाजमी था। मैं और मेरे साथी इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोयम है जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जमा होगी एक आजाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। My colleagues and I stand here for the independence of the whole of India. Other matters are subsidiary to this and can be discussed and decided in the Constituent Assembly, which will make a blueprint for an India of our dreams. Dreams that may turn into nightmares for the Muslims of this country if we allow the Congress to have its way. That's why it's imperative that we Muslims of India have our own group of states that may decide its own constitution. What are the groupings you have in mind, Mr. Jinnah? All the Muslim majority states like Sindh, Punjab, Balochistan, and Northwest Frontier Province will form the first group. And the states of Assam and Bengal will be in the second group. Mr. Jinnah, if, as you suggest, these groups separate from the body of India, then pray tell us, what is left for the Constituent Assembly to make laws for? The rest of India in the center and the south. And what happens to the princely states? Well, they can have their own constituent assemblies. This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission, I'm afraid we have no business being here. In that case, I'll be forced to adjourn the meeting. जिन्ना साहब चाहते थे कि हिंदुस्तान के पूर्व में असम और बंगाल और पश्चिम में चार मुस्लिम बहुल सूबों के लिए एक अलग संविधान सभा बने और बाकी के भारत के लिए दूसरी संविधान सभा, और राजे रजवाड़े खुद अपने आप तय करें कि उन्हें किसी के साथ जाना है या खुद मुख्तार रहना है। जाहिर है कांग्रेस के नेताओं को ये अनेक संविधानों की सूरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। कल कुछ लोगों ने ग्रुपिंग्स के लिए एक तजवीज पेश की थी जो हमारे मुल्क को मजहब व मिल्लत की बिना पर बांटने की एक पेशकश है। हम ऐसी किसी भी तरह की पेशकश के सख्त खिलाफ हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क है, आप सुन रहे हैं लियाकत अली खान साहब, हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक ही असेंबली इसका आयन बना सकती है जिसमें तमाम सूबों, इलाकों, मजहबों और फिरकों के चुने हुए मेंबरान और राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे। References were made yesterday to groups of provinces arranged on communal lines. We are totally against any machinery to run any such groupings. India is one nation and it needs its constitution to be made by one assembly which has elected representatives of the states, region, religion and the nominated representatives of all the princely states as well. This is what I call the tyranny of numbers. Everyone knows here that such an assembly will have a brute majority of caste Hindus and their party, the Congress. And in the game of numbers, minority Muslims will have no say left. That's why we need two assemblies, so that Muslims can frame their own laws. मगर मेरे भाई जिन्ना, क्या आज तक हमारे पास हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग आइन थे? नहीं थे ना? तो फिर यक बयक आज इन दो कानूनों की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों? I trust the British sense of fair play. But with the Hindus ruling India through their Congress, Muslims need a special constitutional protection. I have gone through the length and breadth of India
And I know how vulnerable Muslims are feeling today. And as their sole representative here, it is my duty to... ये आपसे किसने कह दिया कि मुसलमानों के अकेले नुमाइंदे आप ही हैं? अरे भाई, मुसलमान तो हम भी हैं. क्यों मौलाना? Well, I do not need to establish my credentials here. Because the Muslims of this country know who stands here for their rights and who here is a paid quisling Muslim masquerading as their representative. I take strong objection to such a remark being made about my esteemed colleague. Mr. Jinnah, if I've got you right, you need these groupings because of the communal mistrust that exists in this country. That's perfectly right, Sir Stafford. Muslims cannot be a part of a constituent assembly which will be dominated by caste Hindus. May we deal with first things first, please? Which is to dispose of the problem of the Indo-British relationship. For that, we need to make our own constitution for a free India. The communal problem can be dealt with later. Later? Later, there'll be no Muslims left alive in India if Congress is given its way. And that is unacceptable to me. If Mr. Nehru doesn't like the idea of groupings of states within the same India, then it will be better to have two Indias, one for Hindus and another for Muslims. Hindustan and Pakistan. And the Princistan, the Federation of the Princely States. This is ridiculous. It clearly indicates the reality behind the groupings proposal Mr. Jinnah is making. I will not be a party to this balkanization of India. No! India is one and will remain one country. कड़वा सच ये था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी घटती हुई फौजी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो चाहते ही नहीं थे कि सांप्रदायिक आग को फैलने से रोका जाए. पर हाँ, जाने से पहले सत्ता वो सौंपना चाहते थे एक ढीले से राष्ट्रसंघ के हाथ, जिसकी लगाम हो सके तो उनके ही हाथों में रहे. इन्हीं सब बातों को लेकर 16 मई 1946 को एक समझौते का मसौदा बनाया गया. यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया विल बी गिवन इंडिपेंडेंस एज एंड व्हेन द एप्रोप्रिएट टाइम कम्स. इन द मीनवाइल टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. One for the Muslim majority provinces, which will be grouped Balochistan, Sindh, Punjab, and Northwest Frontier Province as the first, and Bengal and Assam as the second group. The Hindu majority provinces in the central and southern India will form another group and make their own constitution. But the central government will be empowered to run foreign affairs, defense and communications, while the residual powers and the responsibility will belong to the provinces coordinated by their group. How can you have two assemblies for one nation? Are you suggesting that there will be Hindu constitution and Muslim constitution? And which constitution will be applicable to the central government? But sir, Assam is not a Muslim majority province. Then why? Gentlemen, please. These are only recommendations which have yet to be accepted by the two main parties, that is the Indian National Congress and the Muslim League, whose working committees are going into details of this plan, and there is no need for us to add anything more at this moment. Thank you. But Nehru is adamant he won't agree to such a proposal. I'm ready to sit together with Jawaharlal, for whom I have great regard, to convince him of the value of these groupings, since he has no desire that the British stay back in India any longer. And if I'm right, then even British do not desire to stay back here any longer. Not just Nehru. The entire Congress Working Committee is dead against the concept of two constituent assemblies and two separate constitutions. In that case, they must agree to partition and for the creation of two nations. Because the only way I can agree to one Union of India is if Congress agrees to two groups, as proposed by me. Bapu, working committee ne Jinnah sahab ki groupings ki tajweez ke khilaaf ek resolution pass kiya hai. Deen,
Congress Working Committee agree that the groupings will hinder the concept of a united India and rejects any such demands put by external pressures which will hinder the working of any body constituted to decide the future of an independent country. There should be a sovereign body for the purpose of drafting the constitution, and it must be unhindered by any external authority. ये है हमारा दस्तावेज बाबू। हम अपने देश का बंटवारा कभी कबूल नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने हमारे साथ चाहे कुछ भी किया हो, उनके कैबिनेट मिशन ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उन्हें जल्दी है कि वो हमारी छाती से उतरें और जाएं। अब ये हम पर है कि हम कैसे अपनी इस दुखी अभागी धरती को सुखी और भाग्यशील बनाएं। कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन असफल हो चुका था, मगर वो खाली हाथ वापस भी नहीं जाना चाहते थे। सो दोबारा एक बार मिलने और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और एक महीने की मशक्कत के बाद 16 जून को एक और प्रस्ताव सामने आया। पार्टीशन? The Congress will never agree to partition. Why would they agree to parity between themselves and the Muslim League in the interim government? And why would they not agree to have any Muslim members on behalf of Congress? How can one quarter of the population be given half the population's seats in the cabinet? अगर हमने कैबिनेट मिशन की सरकार में शामिल होने की तजवीज नहीं मानी, तो न सिर्फ हमें सरकार से बाहर बैठना पड़ेगा, बल्कि यह मुमकिन है कि अंग्रेज हमें दोबारा जेल में डाल दें। अब इससे बेहतर यह है कि हम उनकी इतनी सी बात मान लें कि हमारी भेजी काबीना की फहरिस्त में किसी मुसलमान का नाम ना हो। खुद अपना नाम कटवाने की तरकीब बता रहे हैं आप तो मौलाना। सरदार, मुल्क किसी भी शख्स से बहुत बड़ा होता है और किसी भी मिल्लत से भी। मैं मौलाना की बात समझ सकता हूं। अगर हमने सरकार में आने का ये मौका हाथ से जाने दिया तो यकीनन मुस्लिम लीग और खास तौर से जिन्ना साहब इस बात का नाजायज फायदा उठाएंगे। बापू, आपका क्या कहना है? मैं किसी फायदे या नुकसान की बात नहीं जानता। मैं वही बोलूंगा जो मेरी आत्मा का कहना है, और मेरा मानना यह है कि जिना साहब के डर से या सरकार में शामिल होने की जल्दबाजी में अगर हमने कांग्रेस की सूची से मुस्लिम भाइयों के नाम काट दिए तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? जिना साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता हो सकते हैं, पर आप लोग तो सिर्फ हिंदुओं के रहनुमा नहीं है ना? बापू आपने सही फरमाया, मगर क्रिप सर उनके साथी अभी रुकने वाले नहीं है, और अगर सरकार में शामिल होने के लिए हमें मुसलमानों को अपनी काबीना से खारिज करना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, और मेरा ऐसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं हो सकता है। अगर आप लोग सरकार संभालने के लिए इतने उतावले हैं तो बनाइए आप सरकार। मैं दिल्ली छोड़कर जा रहा हूं। बापू, हम आपकी बात समझते हैं, पर अगर इस समय उन्हें फौरन जवाब नहीं दिया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा।
अगर यही आप सबका फैसला है तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मुझे अंग्रेजों की नीयत सही नहीं लगती, पर मेरी बात ही सही है, इसका कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं इजाजत चाहूंगा। तो अब हम बापू को जाने दें? प्यारे लाल, नया संविधान बनाना तय हो गया, और ये भी कि जिन्ना साहब की तजवीज के खिलाफ सिर्फ एक संविधान सभा मुल्क का रूप स्वरूप तय करेगी। जाहिर है कोई इस व्यवस्था से पूरी तरह खुश नहीं था, मगर जिन्ना साहब पर तो जैसे गाज गिर गई थी, और वो अपने मुखालिफों को आसानी से बख्शते नहीं थे। And Pethick Lawrence has proved to be a treacherous man. क्रिस्ट ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया है। Pethick Lawrence ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। Breaking all the norms of decency, they have invited the Congress, which had earlier refused the offer to join the interim government without even consulting us. भलमनसीयत के सारे पैमाने तोड़कर कांग्रेस को सरकार में शामिल कर लिया गया, जबकि कांग्रेस ने पहले साफ साफ इनकार कर दिया था। और ऊपर से तुर्रा ये कि ये सब बिना हमसे पूछे, बिना हमारी इजाजत लिए बगैर किया गया है। इन सच अ सिचुएशन, इफ आई हैव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ दिस सबकॉन्टिनेंट, देन आई एम लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू बिड गुडबाय टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। इस सूरत में अगर मुझे मुसलमानों की इज्जत, गैरत और हुकूक को बचाना है तो मेरे पास कोई और सूरत ही नहीं रहती सिवाय इसके कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी तरीकों को ताक पे रख दें। The Hindu Congress has time and again employed the weapon of mass struggle to intimidate us, and the British have held their arms and authority to crush us. हिंदुओं की कांग्रेस हमेशा आवामी जद्दोजहद के नाम पर हिंदुओं के हुजूम से हमें डराती आई है, और अंग्रेज हुक्मरान अपनी बंदूकों, बेतों और बेनटों से हमें कुचलते आए हैं। Today we too have forced a weapon and are in a position to use it. अब हमने भी अपना हथियार तैयार कर लिया है और हम इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूँ। From Friday the 16th of August, we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आने वाले जुमे 16 अगस्त से हम सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, डायरेक्ट एक्शन, और हथियार तभी रखेंगे जब मंजिले मखसूस सामने दिखाई देगी, यानी हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर कायदे आजम, क्या हमारा डायरेक्ट एक्शन नॉन वायलेंट होगा? आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एथिक्स हियर। और आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे गांधी की अहिंसा वहिंसा में कोई यकीन नहीं है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बातचीत, सुलह सफाई, रूठने समझाने मनाने के दो महीने यकबयक खत्म हो गए। कैबिनेट मिशन वापस लौट गया और हिंसा के बादल चारों तरफ मंडराने लगे। वायसराय वेवल ने सारे गवर्नरों को बुलाकर पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने को कहा, पर बंगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज ने वेवल को खबर दी
कि बंगाल के मुस्लिम लीगी प्रधानमंत्री एच एस सोहरावर्दी के कहने पर उन्होंने 16 अगस्त को सारे पुलिस महकमे को छुट्टी पे भेज दिया है। 16 अगस्त 1946 भारत के इतिहास के काले दिनों में शामिल होने जा रहा था। जिन्ना साहब की पुकार पर 16 अगस्त की सुबह से ही हथियारबंद लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतर आए और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। बदले में दूसरे संप्रदायों के लोग भी निकल आए और सड़कों पर 3 दिन तक सिर्फ हथियारों का राज था। पुलिस छुट्टी मनाती रही, फौज अपने ड्रैगन टैंक लिए बैरकों में बैठी रही और सड़कों पर कत्लोगारत, खुरेजी और आगजनी होती रही। 3 दिन में 4,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। बंगाल में जो हुआ उसके बदले में पहले बिहार और फिर बाकी भारत में भी हिंसा का तांडव मचने लगा। बंबई शहर तक दंगों की चपेट में आ चुका था, पर पूर्वी बंगाल के नोआखली में जिस तरह हिंसा का चक्र शुरू हुआ उसने सबको दंग कर दिया। सब छोड़ छाड़ कर गांधी जी चल पड़े नोआखली। लाट साहब वेवल का मानना था कि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर बनी सरकार ही इस गृह युद्ध जैसी स्थिति को रोक सकती है। सुपंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। जिन्ना साहब ने तो पहले इस सब का मजाक उड़ाया, फिर 15 अक्टूबर तक उनकी तरफ से भी लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री का पद संभाल लिया। जिन्ना साहब खुद सरकार में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें नेहरू से छोटा या बराबरी का ओहदा मंजूर नहीं था। यूं अर्जी सरकार तो बन गई पर उसका चलना कदम कदम पर दुश्वार हो रहा था। गांधी जी ने तो बहुत पहले ही लाट साहब वेवल को इस खतरे से आगाह किया था। यू मस्ट मेक योर चॉइस ऑफ वन हॉर्स और द अदर। यू विल नेवर सक्सीड इन राइडिंग टू एट अ टाइम। चूज द नेम्स फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट फ्रॉम नेम्स सबमिटेड बाय द कांग्रेस or the League. For God's sake, do not make an incompatible mixture, and in trying to do so, produce a fearful explosion. Even a government headed by the League is not going to damage India. But I am not ready to accept the division of Congress as Hindu and League as Muslim. No. वेवल इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने अपने एक खत में सम्राट किंग जॉर्ज को लिखा, The situation reminds me of a childhood puzzle in which I had to manipulate marbles into their pens. Just as the last one seemed to get into place, the others invariably run out. I am trying to postpone convening the Constituent Assembly as much as possible. And maybe have one more round of talks with Mr. Jinnah and Nehru. Perhaps in London, a city both of them have lived in and love. December 1946 के लंदन के बर्फीले माहौल से ज्यादा सर्द अगर कोई चीज थी तो वो था मिस्टर जिन्ना और पंडित नेहरू के बीच का रिश्ता। कई मुलाकातों के बाद भी जब कोई बात न बनी तो आखिर नेहरू जी ने अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर अंतिम चेतावनी दे डाली। There is a great urge amongst the populace of India for political progress and for making a constitution. Mr. Jinnah's Muslim League is but a fly on the weighing scale compared to the vast force in India. And if the British authorities do not call for the Indian Constituent Assembly immediately, we will have to resort to another mass action against His Majesty's government. Thank you, gentlemen. Mass action के डर से ब्रिटिश सम्राट की सरकार तुरंत मान गई और पंडित नेहरू के भारत लौटते ही 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान का आईन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मिलना तय हो गया। 9 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन इसी इमारत में पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। प्रादेशिक विधानसभाओं से चुने गए नुमाइंदे इस ऐतिहासिक दिन के लिए सज धज कर पधार रहे थे। मुस्लिम लीग ने, जैसा कि उम्मीद थी, इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया।
हिंदुस्तान को एक नया रूप देने के लिए, एक नए संविधान को आकार देने के लिए सारे महत्वपूर्ण लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मौजूद थे। बस दो लोग वहां नहीं थे, और शायद दो सबसे अहम लोग, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। संविधान सभा के बहुत से सदस्य गांधी जी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। आइए आइए जगजीवन बाबू, मुझे पता है हम चाहे दुनिया का सबसे सुंदर संविधान क्यों ना बना लें, पर वो भी बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना हुए। बापू, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ ऐसे अच्छे आदमियों और औरतों की कोई कमी नहीं है जो हमारे संविधान को कारगर करके दिखाएंगे। इसीलिए हम सब आपका आशीर्वाद लेने आए। बापू के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर आज मैं तुम्हें एक तावीज, एक टोटका दूंगा जो शायद तुम्हें सही संविधान बनाने में मदद करे। आप और तावीज? बापू, मुझे लगता था आप तंत्र मंत्र यंत्र में विश्वास नहीं रखते। हाँ, पर इस मंत्र पे पक्का विश्वास है मेरा। जब कभी अपने आप को शंका में घिरा पाओ तो इस परीक्षा को अपनाना। सबसे दीनहीन, गरीब, कमजोर इंसान जिसे तुमने देखा हो उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना, जो मैं करने जा रहा हूं क्या इससे उसका भला होगा, इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नहीं, इससे क्या वो अपने भाग्य और जीवन को सुधार पाएगा या नहीं, या यूं कहो ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं जो तन और मन की भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पेट भी खाली है और हृदय भी। फिर देखना, तुम्हारी सारी शंकाएं छूमंतर हो जाएंगी। संविधान सभा ने सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उनकी निगरानी में सारे सदस्यों ने शपथ ली। फिर सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहनों और भाइयों, अगर आप मुझे माफ करें तो मैं ये कहूंगा कि इस देश में जहां जात पात के इतने झगड़े फैले रहते हैं, आप लोगों ने हमें चुनकर एक तरह से अपनी जाति से बाहर कर दिया है और अपनी जात पात में बैठने से वंचित करके आपने हमें एक अलग, एक दूसरी जगह, एक दूसरे किस्म की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शायद आप में से हर एक आदमी ये भी उम्मीद रखता है कि इस सभा के कार्यों में मैं कोई ऐसा कार्य न कर बैठूं जिससे कि ये बात जाहिर हो कि मैं किसी
खास दल या किसी खास फिरके का आदमी हूं। पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बोलते हुए राजेंद्र बाबू ने सबके दिलों को छू लिया। Above all, what we need is freedom. And as someone has said, nothing is more valuable than the freedom to be free. Let us hope and pray that as the result of the labors of this Constituent Assembly, we shall have achieved that freedom and we shall be proud of it. 13 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हमारे आईन की नींव बनने वाला था, और ये था संविधान के लक्ष्य और ध्येय के बारे में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। मिस्टर चेयरमैन, द रेजोल्यूशन दैट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू डिफाइन्स आवर एम्स एंड डिस्क्राइब्स एन आउटलाइन ऑफ द प्लान्स and points to the way which we are going to tread. The resolution that I place before you is in the nature of a pledge, and I hope the House will pass this resolution, which is of a special nature. I beg to move, 1, this Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent Sovereign Republic. भारत की अक्षुण्णता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। 2. Wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political equality of status, opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action. एक एक करके 8 नुक्ते सामने रखे थे उन्होंने, और हमारे संविधान का पूरा नक्शा कुछ ही शब्दों में खींच दिया था, मगर उन्हें भी आज संविधान सभा में कुछ लोगों की कमी बहुत खल रही थी। आज इस असेंबली में हमें बहुत से लोगों की कमी खल रही है। हमें अच्छा लगता अगर और भी सभी इलाकों, सूबों और राज्यों के नुमाइंदे हमारे बीच होते। एक और शख्स आज यहां मौजूद नहीं है, मगर वो हम सब के दिलो दिमाग से दूर नहीं है। हमारे महान नेता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनकी लगन और मेहनत के बदौलत ही आज ये असेंबली मुमकिन हो पाई है। बापू यहां मौजूद नहीं है क्योंकि अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए वो हिंदुस्तान के किसी कोने में चुपचाप काम करने में जुटे होंगे, पर मुझे इस बात का जरा भी शक नहीं कि उनकी रूह हमारे बीच यहां मौजूद है और हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। I also think of the various constituent assemblies that have gone before us, when the fathers of the great American nation met and fashioned out a constitution that has stood the test of time for more than a century and a half. My mind goes back to that constituent assembly which met in the lovely city of Paris, and how the king and other authorities came in its way. And it still continued. Even the room for that meeting was denied, and the Constituent Assembly betook themselves to an open tennis court and did not disperse till they had finished the task they had undertaken. We too, whether we meet in this chamber or in the fields or the marketplace, will go on meeting and continue our work till we have finished it. 13 दिसंबर को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के साथ पंडित नेहरू ने हमारे संविधान की नींव रखी थी, और 14 दिसंबर को जिन्ना साहब ने संविधान सभा की पूरी बुनियाद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस द गोल ऑफ द मुस्लिम लीग? व्हाट डू यू थिंक वी आर फाइटिंग फॉर? आवर गोल इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सर्टेनली।
the complete independence of Pakistan. But Mr. Jinnah, if the Congress accepts the proposals laid down by the British government, would the Muslim League be then ready to take part in Constituent Assembly? It's all very well to talk in this loose way about Constituent Assembly. The reality is that the Congress with 292 supporters, there might be a few less, has a brute majority, where the Muslim number is only 79. Is that what people understand when they talk of democracy? The truth is that between the Hindus and Muslims in India, there is no such thing as democracy. Does that mean that the Muslim minority wants a veto on the progress of the majority? What majority do you mean? If you mean the Hindus, then we wish them Godspeed. Go ahead and establish your Hindustan. Frame your constitution for the Hindus, but then leave us alone, and we shall frame a constitution for Pakistan. ये तो बस आगाज था. आगे और तमाम अड़चनें आनी बाकी थीं. अब देखना है इन चुनौतियों का सामना कैसे किया हमारा संविधान बनाने वालों ने.